यूपी तक के सब्सक्राइबर 50 लाख, आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एसपी सिंह बघेल के गाड़ी पर पथराव के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रचार के दौरान काफिले पर पथराव किया गया, जिसमें गाड़ी के शीशे टूट गए। इस हमले के बाद बीजेपी के बड़े नेता लगातार सपा की ओर हमला कर रहे हैं। वहीं ड्राइवर के मुताबिक उस वक्त गाड़ी में खुद एसपी सिंह बघेल बैठे थे। गाड़ी के ड्राइवर से सुनिए उस दौरान क्या हुआ। सर, हम एक सभा करके आ रहे थे पीछे गाँव में, वहाँ से आगे नेक्स्ट गाँव में जब पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों के नारेबाजी करने लग गए। रास्ते में पेड़ भी डाल दिए थे, तब वो देखा वहाँ से निकले तो बगल में से ही एक अद्दा आया, गाड़ी में लगा, बड़ा शीशा टूटा। शीशा टूटने के बाद ही साहब रुके, सिक्योरिटी उतरी। कौन बैठा था सीट पर? साहब मंत्री जी, एसपी सिंह बघेल जी। गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, गाड़ी मैं ही चला रहा था। तो कहाँ की घटना है ये है? अतीबुल्ला खान। कौन सी विधानसभा में लगता है ये? करेल विधानसभा में। अच्छा, किस समय घटना? ये है लगभग 7:20 के लगभग। कौन लोग थे पता लगा? वो अपने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी के लोग थे वो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस हमले के बाद लिखा, मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर सपाई गुंडों द्वारा हमला करना असली चरित्र दिखाया है। कल ही भाजपा सांसद श्रीमती गीता साके पर भी हमला किया गया था। दोनों घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, करहल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर हमला ये दर्शाता है कि वहां से सपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव हार की कगार पर खड़े हैं। चुनाव में जीत जनता के आशीर्वाद के बल से मिलती है, गुंडों के आतंक के बल पर नहीं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सीधे अखिलेश यादव पर ही आरोप लगा दिए हैं। मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल पर हुए हमले की भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। समाजवादी पार्टी हार के डर से बौखला गई है। दो चरणों के चुनाव से उसे पता लग गया है कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे अखिलेश यादव ने, वो टूट गए हैं। करहल में स्वयं की हार देखकर अब कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, जिसके नाते से उक्त घटना घटी है। चुनाव आयोग से मांग है, प्रशासन से मांग है कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रोफेसर एसपी बघेल की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। जनता वोट के चोट से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जवाब देगी। खबर लिखे जाने तक पुलिस और सपा की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।